नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केळकर। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ और केळकर तोरणकर साइकेट्री नर्सिंग होम ठाणे येथे कई सालों से एज अ साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए मेरा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मानसिक बीमारियों के बारे में सही जानकारी पहुँचे और जो उनके मन में गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाए। मैं सभी से शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी कि इन वीडियो को आप लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और इस वीडियो का, सभी वीडियोस का लोगों को यूज़ हो रहा है, वो वीडियोस देख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और जो एडवाइस उनको चाहिए उसके लिए मुझे फ़ोन कॉल्स भी लोगों के आ रहे हैं। आज हम इस सेशन में मेनोपॉज और उससे होने वाले साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेनोपॉज यानि क्या? मेनोपॉज यानि जो स्त्रियों को महीना आता है या जिसको कुछ औरतें महावारी बोलते हैं या मेंसेस बोलते हैं या मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, तो ये पूरी तरह से रुक जाना। जनरली ये 45 to 50 ये एज में, किसी किसी का 50-55 में भी बंद होता है या किसी का जल्दी भी बंद हो सकता है। तो ये जो फेज़ आता है, तो ये फेज़ में काफ़ी औरतों में शारीरिक और मानसिक बदल हमको दिखाई देते हैं, बदलाव दिखाई देते हैं। तो अब ये जो बदलाव आते हैं इसको हम साइकोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं। ये जो बदलाव है ये सभी औरतों में थोड़ी या ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। कुछ औरतों में ये जो चेंजेस होते हैं ये वो माइल्ड इसके होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वो औरतें खुद को समझ लेती है कि ये फेज है और उससे बाहर निकल जाती है, लेकिन कुछ औरतों में इसकी तीव्रता ज़्यादा होती है। इसकी वजह से उनको साइकोलॉजिकल यानी मानसिक तकलीफ शुरू हो जाती है, जैसे कि गुस्सा आना, चिड़चिड़ होना, मूड चेंज होना, नींद न आना या सर में दर्द होना या फिर एकदम से एग्रेसिव होना, एकदम इमोशनल हो जाना या बॉडी एक, तो ऐसे चेंजेस दिखाई देते हैं। मेनोपॉज के पहले का फेज़ होता है पेरीमेनोपॉजल फेज़। ये पेरीमेनोपॉजल फेज़ कुछ स्त्रियों में 4 से 5 साल तक चलता है और ये फेज़ में भी कुछ स्त्रियों को ऐसे ही प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी बढ़ना, नींद ना आना, हेडेक होना, किसी चीज़ में मूड ना लगना, डिप्रेशन जैसा लगना, चिड़चिड़ होना, और ये फेज़ चलता रहता है 3-4 साल तक। काफ़ी जो फीमेल्स आती है उनके साथ रिलेटिव्स आते हैं, तो ये रिलेटिव्स पूछते हैं कि इसका क्या कारण है, क्यों इनको ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में ये फेज़ में, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो उनकी लेवल्स एकदम से गिर जाती है और गिरने की वजह से ये प्रॉब्लम्स उनमें दिखाई पड़ते हैं। काफ़ी जो कंसल्टेशन के लिए आते हैं उनको ये बदलाव जो है और फीमेल्स में ये कुछ समझ में नहीं आता है, यानी उनको ऐसा लगता है कि इतनी सादी, सरल और एकदम से शांत रहने वाली अपनी वाइफ या अपनी माँ एकदम से ऐसे गुस्से वाली और मूड चेंज क्यों हो रहा है अपनी माँ का या अपनी वाइफ का या अपनी बेटी का, ये समझ में नहीं आता लोगों को। तो ये उसका कारण यही है कि ये हार्मोन चेंजेस जो होते हैं उसकी वजह से ये तकलीफ़ होती है। अब ऐसा देखा गया है कि जो फीमेल्स को मेंसेस के पहले का जो फेज़ है, यानी कुछ दिन मेंसेस शुरू होने के कुछ दिन पहले, उसको प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ कहते हैं, तो वो कुछ लोगों में उसमें चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना या फिर एग्रेसिव हो जाना, नींद ना आना, हेडेक होना, ऐसे कुछ बदलाव दिखाई देते हैं। उसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है और ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिन फीमेल्स में है उन लोगों में मेनोपॉजल साइकोलॉजिकल चेंजेस होने की संभावना ज़्यादा है। उसके साथ
जिनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टपार्टम साइकोसिस है, यानी कि डिलीवरी के बाद कुछ स्त्रियों में हार्मोन चेंजेस की वजह से डिप्रेशन आना या साइकोसिस डेवलप होना ऐसा भी होता है। तो इन स्त्रियों में भी भले ही वो निकल भी जाता है ट्रीटमेंट के बाद, लेकिन वो स्त्रियों में भी मेनोपॉजल साइकोलॉजिकल चेंजेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये इसके बारे में यानी इसकी ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट सबसे पहला ये है कि जो खुद फीमेल है या फिर उसके रिलेटिव्स है, उन्होंने ये समझना कि ये एक फेज़ है और ये फेज़ जो है ये निकल जाएगा। काफ़ी लोगों में ये जो फेज़ है ये थोड़े ज़्यादा समय तक चलता है और वो तकलीफ़ देता है, तो रिलेटिव्स ने भी ये समझना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए हम हमारे वाइफ को या मम्मी को सपोर्ट करें, उनको गुस्सा आ रहा हो तो उनसे बहस ना करें, उनको समझ ले, उनको जो चाहिए जो नहीं चाहिए वो भी समझ ले। फीमेल्स जो इस दौर से गुज़र रही है वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें, उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर डाइट, प्रॉपर हेल्दी डाइट ले, नींद पूरी 6 से 8 घंटे की होनी चाहिए, मेडिटेशन, योगा, ये चीज़ें भी बहुत लाभ देती है। उसके साथ कुछ फीमेल्स ऐसी होती है कि जो जिनको अपनी कुछ हॉबीज़ होती है वो हॉबीज़ से आनंद मिलता है या बाहर घूमने से आनंद मिलता है, तो जो चीज़ों से आनंद मिलता है, जिन चीज़ों से अपना स्ट्रेस कम होता है, वो चीज़ें करें, सोशलाइज़ करें, यानी फंक्शंस अटेंड करें, ना कि खुद को और चिड़चिड़ होता है इसलिए खुद को बंद कमरे में रखें, जितना बाहर जा सके उतना जाए। अब इसमें काफ़ी फीमेल्स को तीव्रता की वजह से ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ये ट्रीटमेंट लेना है कि नहीं ये रिलेटिव और ख़ुद पेशेंट का अपना डिसीजन होता है। अगर खुद वो फीमेल को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, मैं जैसा पहले थी वैसा मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा मूड चेंजेस बहुत हो रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली उन्होंने ट्रीटमेंट लेने के बारे में सोचना चाहिए। इसमें क्या होता है कि अगर चिड़चिड़ापन है, मूड चेंजेस है, तो हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। अगर डिप्रेशन लग रहा है, यानी जिसको बोलते हैं उदासीनता, तो उसके लिए एंटी डिप्रेशंस है, नींद नहीं आ रही है, टेंशन बहुत हो रहा है, उसके लिए जो स्लीपिंग टैबलेट्स है यानी जिसको हम बेंजोडाइजेपिन्स बोलते हैं वो दिए जाते हैं। इसके साथ साथ इंडिविजुअल काउंसिलिंग का भी उपयोग होता है, हमने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी काउंसिलिंग होती है, इससे भी काफ़ी स्त्रियों को मदद मिलती है। और इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे केकर तुअणकर साइकेट्री नर्सिंग होम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9503309619। नमस्ते।